राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में समग्र विकास करना है। RKVY योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें से संकर सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना, पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, संरक्षित खेती परियोजना, यंत्रीकरण योजनाएं शामिल है। इन्हीं में से एक सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना है। इस योजना में सभी वर्ग के कृषकों को संकर सब्जी की खेती हेतु 0.250 से 2 हेक्टेयर तक के लिए इकाई लागत का 40% या अधिकतम 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दे है। इसी कड़ी में आइए मिलते हैं बालाघाट विकास खंड के प्रगतिशील किसान से, जिन्होंने इस योजना का लाभ उद्यानिकी विभाग बालाघाट से लिया और लगातार उत्पादन बढ़ाया और अपनी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रानी अमूले, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी विकास खंड बालाघाट, जिला बालाघाट में पदस्थ हूँ। आइए आज जानते हैं सफलता की कहानी किसान की जुबानी में। आज हम हैं बालाघाट विकास खंड के ही कृषक श्री हेमलाल लल्हारे जी के प्रक्षेत्र पर और उन्हीं से सुनते हैं कि कैसे उन्होंने ये सफलता जो है वो प्राप्त की है। नमस्ते किसान भाइयों, मैं हेमलाल लल्हारे, विकास खंड बालाघाट, जिला बालाघाट से। मैं धान की खेती करता था तो मुझे प्रॉफिट कम होता था। अभी 2-4 सालों से मैं सब्जी की खेती कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लाखों का मुनाफा हो रहा है और मुझे इसमें उद्यानी विभाग में स्प्रिंकलर सेट और स्प्रे पंप और बीज सब्जी विस्तार में बीज भी प्राप्त हुआ है।